दोस्तों आप जो अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये सरस्वती के मुंह से निकल रहा है जल, यानी कि पानी, सरस्वती जल है ये। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। ये देखिए, ये भारत का अंतिम गांव है जहां पर सीधा सरस्वती के मुंह से गंगा जी निकलती है। आगे आ जाके इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, गंगा जी, सरस्वती, अलकनंदा, अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। आज आपको इस वीडियो में भारत की अंतिम गाँव है ये माना, और ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये सरस्वती के मुंह से पानी निकल रहा है, और इधर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ये है भीम पुल। ये एक पूरा पत्थर का पुल बना हुआ है जो कि वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। बस काम आपका एक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और साथ में ऊपर जो नीले बटन का दिख रहा है फॉलो का बटन, फॉलो ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, उतनी ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर से पहाड़ों की वादियों से निकल के आ रहा है सरस्वती के मुंह से सीधा ये जल। और ये देखिए वहाँ से आप देख रहे हैं, जैसे जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, पता भी नहीं लग रहा है कि ये पानी है कहाँ रहा से, वहाँ से ढलता हुआ भी नहीं दिखाई देता और सीधा ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इन दो के बीच में ये निकल रहा है जल। और ये देखिए कितना शानदार व्यू और पानी का दृश्य, ये देखिए बहुत शानदार। और यहाँ से निकलने के बाद जहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर ये पुल है, इसके नीचे से निकलता है, और इधर ये सरस्वती का मंदिर है ये देखिए यहाँ पर। और पूरा बहुत ही शानदार हिंदुस्तान की अंतिम दुकान आ जाती है। चलो एक मिनट, और ये देखिए यहाँ पर ये भीम पुल है, भीम पुल के ऊपर को यहाँ पर ही निकल रहा है। बाकी आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत शानदार। बाकी हम दोस्तों चलते हैं, और बाकी आपको मैंने सरस्वती का दिखाई दिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बारिश होने लगी है। तो बस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करें। और यहाँ पर ये देखिए ये पूरा पुल, ये हनुमान जी जब पांडव जा रहे थे उन्होंने यहाँ पर उनके लिए ये पुल को उठाकर, ये भीम पुल है ये रखा था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये पूरा पुल के ऊपर को रास्ता बना हुआ है ये रखा था उन्होंने। इसके बाद हनुमान जी यहाँ से गए थे, और यहाँ से स्वर्ग का रास्ता है सीधा, कहते हैं जो आज तक यहाँ को गया वापसी कभी नहीं आया है। और बाकी हम चलते हैं, और ये देखिए भीम के पुल के नीचे को सरस्वती के मुंह से निकलने के बाद ये पानी ये जा रहा है। बहुत ऊंची ऊंची वादियाँ हैं, पहाड़े, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लोग माणा गांव को देखने के लिए, भीम पुल को देखने के लिए, जल को देखने के लिए, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। देखिए लोग आ रहे हैं, भीड़ पूरी है। देखिए थोड़ी चढ़ाई है जो कि आपको चढ़नी होगी, बाकी यहाँ पर मार्केट है, दुकान में सामान खरीदे, ऊँचे ऊँचे ग्लेशियर पहाड़ों है, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई पिघल रही है, और यहाँ पर ये रास्ता है पूरा। यहाँ से पीछे का व्यू है, ये ऊपर से पता नहीं लग रहा है कि गंगा पानी आ कहाँ रहा है, सीधा सरस्वती के मुँह से निकलने बाद उससे पहले का नहीं पता है कहाँ से आ रहा है। पहाड़ों के बीच से निकल के सीधा आ रहा है ये। बाकी यहाँ पर पेंटिंग का काम लगातार, साफ सफाई जी बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा है, पेंटिंग का काम लगातार चल रहा है, बहुत सुंदर रास्ता है। बाकी बस वीडियो को लाइक शेयर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।